नमस्ते. मैडम, गुड फूड के साथ गुड म्यूजिक सुनना चाहिए. दिस इज अ गुड म्यूजिक बट पर्सन इज डिफरेंट. समटाइम्स द म्यूजिक इज डिफरेंट, पर्सन इज सेम. सम पर्सन मे नॉट डू द सेम म्यूजिक, सेम म्यूजिक मे नॉट बी द सेम पर्सन. बिकॉज पर्सन इज नॉट म्यूजिक, म्यूजिक इज नॉट पर्सन. सो पर्सन ऑलवेज कांट ट्यून द म्यूजिक, म्यूजिक कैन चेंज द पर्सन. सो वेयर इज द पॉइंट टॉकिंग अबाउट द पर्सन, वेयर इज द पॉइंट आस्किंग अबाउट द म्यूजिक? व्हाट क्या हुआ? तुमने म्यूजिक क्यों रोका? आप सही वक्त पर आए. आप ही बताइए, गुड फूड के साथ गुड म्यूजिक होना चाहिए ना? वही तो. दिस इज अ गुड म्यूजिक बट पर्सन इज डिफरेंट. समटाइम्स द म्यूजिक इज डिफरेंट, पर्सन इज सेम. सम पर्सन मे नॉट डू द सेम म्यूजिक, सेम म्यूजिक मे नॉट बी द सेम पर्सन. बिकॉज पर्सन इज नॉट म्यूजिक, म्यूजिक इज नॉट पर्सन. बिकॉज म्यूजिक इज म्यूजिक, पर्सन इज पर्सन. सो पर्सन ऑलवेज कांट ट्यून द म्यूजिक, म्यूजिक कैन चेंज द पर्सन. तो आपको समझ में नहीं आया? मैं फिर से दोहराता हूं. नहीं नहीं नहीं, अब दोबारा ऐसा मत करो. गेट आउट. वर्कआउट नहीं हुआ, तुम ही बैठ के बजाओ. नहीं तो उसके अंदर सीडी है, उसको ऑन कर लो. यहाँ दाल गलेगी या नहीं? होटल में फूल तो क्या, टहनी भी मत लगाना, बोल दिया था. यहाँ जो होगा देखा जाएगा. जा. अब चलो अंदर. गुड मॉर्निंग सर, आई एम बालू बलराज, फ्लोरिस्ट. अच्छी बात है. मैं बंटी, हेल्पिस्ट. बैठो बेटा, आप भी बैठो. आई एम मोचन, जनरल मैनेजर. क्या बात है, क्या स्वीट नेम, संकट मोचन है. सुनने में कुछ अजीब सा है. मेरे दादा ने यह नाम रखा और परलोक से धार गए और मुझे इस हाल में छोड़ गए. बताओ कैसे आना हुआ? सर हम इस शहर के बहुत फेमस बुकेस्ट हैं. हाँ फ्लोरिस्ट भाई सर. वैसे हम अलग अलग देशों से फ्लावर्स इंपोर्ट करते हैं सर. अफ्रीका से जैस्मिन इंपोर्ट करते हैं सर. न्यूजीलैंड से ब्लूबेल इंपोर्ट करते हैं सर. हॉलैंड से ट्यूलिप्स भी इंपोर्ट करते हैं सर. सर आपके रेस्टोरेंट को सजाने के लिए रोजेस, लॉबी की सुंदरता बढ़ाने के लिए लिलीज और रूम की शोभा बढ़ाने के लिए हम चमेली सप्लाई करेंगे सर. सर एक मौका दीजिए, पूरे होटल का लुक ही बदल देंगे, आपको प्रमोशन मिलेगा. बैठो बेटा, कॉफी पीते हुए बात करेंगे हम. ए सुनो, कॉफी, तीन कॉफी लाओ. अब तू भी गया. बेचारा बड़ा ही भला मानस था, किसी ने उल्लू बनाया और ये जीएम से वेटर बन गया. वहां जाओ, जाओ तुम. तुम जाओ, जाओ जाओ, हम वर्कआउट कर लेंगे. हाँ बेटा घबराओ मत, तुम्हारा काम हो जाएगा, मिलके काम करेंगे. अपना सेल फोन नंबर देकर जाओ, मैं फोन करूंगा. क्यों, ठीक है ना? फिर मिलेंगे ना बेटा. हाँ बेटा. ये क्या, महाराज की तरह रहते थे, अब ऐसे क्यों हो गए? मेरा दिल भर आया. अरे चुप हो जाओ, ये सब कैसे हो गया? क्या हुआ सर? इसके लिए हम बहुत चिंतित हैं. चाहो तो थोड़ी सी चिंता और मोल ले लो. तुम कोई चिंता मत करो मेरी. सर प्लीज सर, इन होटल वालों को हमारे बारे में बताकर हमारी जिंदगी बर्बाद मत करना सर. चाहो तो थोड़ा कमीशन ले लो. कमीशन या गिफ्ट, कुछ नहीं चाहिए मुझे. गेट आउट. Don't get into trouble with your teacher. Behave properly. Good morning, sir. आप अमेरिकन कॉन्सुलेट में काम करते हैं ना, पवन कुमार जी? हाँ बेटी, तुम कौन हो? मैं प्रकाश की सिस्टर हूँ. कुछ याद आया? Yeah, I remember. तुम्हें वीजा मिलने में परेशानी हो रही थी. बिल्कुल सर, 6 महीने हो गए ट्राई करते हुए. फर्दर स्टडीज के वास्ते मैं US जाने की सोच रही हूँ. अब तक 2 बार रिजेक्ट हो गया है सर. सर प्लीज इस बार कुछ कर दीजिए ना. यू डोंट वरी, मैं अपने वीजा ऑफिसर से बात करके 2 घंटे में फोन करूंगा. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. अब दिखाओ. गुड, नाइस इंप्रूवमेंट. अब तुम सीटी बजाना सीखो. ये क्या है, क्या सिखा रहे हो तुम? सीटी कैसे मारते हैं सिखा रहा हूँ. सीटी दूंगी एक तो थोपड़ा बिगड़ जाएगा. बदमाश. सीटी मारना बिल्कुल गलत नहीं, मेरे चाचू भी मारते हैं. तुम्हारे चाचू? वो एक बड़ा बॉस और तुम उसके चमचे. एक दूंगी ना, आइंदा कभी तुझे ऐसे करते देखा तो हाथ पैर तोड़ दूंगी. तुम चलो. सुनो, वैसे तुम्हारा चाचू समझता क्या है उसको बता देना. मैं देखने में ऐसी हूँ लेकिन बड़ी खतरनाक लड़की हूँ. अगर मुझसे उलझेगा तो उठवा दूंगी. चाहे मुझे कुछ भी कहो मगर चाचू को कुछ नहीं बोलना, नहीं तो मैं. क्या कर लेगा तू? क्या करेगा बोला? उसको बताएगा? जा बता दे उसको. 2 सींग लगे हैं जो मारेगा, तेरी आंखें फोड़ दूंगी, पैर तोड़ दूंगी. पता नहीं अपने चाचू को क्या समझता है. रुको रुको, मैं चाचू को बुलाता हूँ. फिर से उसका नाम लिया तूने. ओए, रुको. चाचू. क्या हुआ? हमारी फैमिली के बारे में बुरा भला बोल रही थी चाचू.
ज्यादा ये लफंगा लगता है। चाचू अगर कोई लड़की मुझे इस तरह कहती तो मैं अब तक पता नहीं क्या कर बैठता। बहुत उल्टा सीधा बोला। क्या गालियां भी दी तुम्हें चाचू? अच्छा इधर आ। क्यों डाटा इसको? ये सीटी बजाना सिखा रहा था लिली को। ठीक है तो टीचर को कंप्लेंट करो या मुझे बताओ। लेकिन ये गालियां क्यों दी तुमने उसको? इसने दारू तो नहीं पिलाई या बीड़ी सिगरेट पीना तो नहीं सिखाया? ऐसा क्या कर दिया इसने? बजाना सिखाया चाचू। बस सीटी बजाना सिखाना, इसके लिए तुम उसकी आंखें तोड़ दोगी, हाथ पैर तोड़ दोगी। हाँ सिंह सिंह, मेरे दो बड़े बड़े सिंह हैं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? उन सिंह से मैंने तुम्हें कभी मारा? टेल मी व्हाट्स योर प्रॉब्लम, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? यू आर टॉकिंग टू मच। हे यू आर टॉकिंग टू मच। गो बैक। ओके आई एम गोइंग बैक, यू आर कमिंग फॉरवर्ड। व्हाट्स योर प्रॉब्लम? आई विल कॉल द पुलिस। ओके यू कॉल द पुलिस, आई विल आल्सो कॉल द पुलिस। हेलो या हेलो वुमन पुलिस स्टेशन। हेलो हेलो जेंट्स पुलिस स्टेशन। यू क्या हुआ? अरे क्या हुआ? रुको भाई, तुम झगड़ा क्यों कर रहे हो? क्या हुआ मैडम? तुम समझ जाना, मैं कह रही हूं तेरा तो मुंह तोड़ूंगा। अरे रुको, मैडम रुकिए, चलिए फिर से क्या बात करूं मैं? आप लोग क्यों? हेलो मोबाइल मुझे दो। देखो पुलिस का स्कूल में आना ठीक नहीं है, झगड़ा बंद करो। ये क्या कर रहे थे? देखो भाई हमारे स्कूल की प्रेस्टीज मिट्टी में मिल जाएगी। आपके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं ना, आपको झगड़ा नहीं करना चाहिए। जाइए ये लीजिए अपना मोबाइल, जाओ 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 जाओ। ना अरे चले जाओ, मेरा बीपी बढ़ जाएगा। सर बहुत बड़ी गलती होगी। क्या? सेलफोन्स को बदल के दे दिया आपने। गुंडा रास्कल इडियट। हेलो, देखो भाई मैं मोचन बोल रहा हूँ भाई, शाम को तुम होटल में आ जाना, ठीक है भाई? रेट वगैरह सब ओके है, तेरी सर्विस बढ़िया होगी तो और ज्यादा दिलाऊंगा, ठीक है? व्हाट? तुम कौन हो? वाइफ हो? बालू की? कीप योर मैनर्स। ओ कीप हो तुम, अच्छा। डर्टी रास्कल, पागलों जैसी बातें करोगे तो मुंह नोच लूंगी तुम्हारा। कौन हो तुम? बालू कहाँ है? बालू को फोन दो। बालू? ये अब मजा चखाती हूँ। मैं बालू की वाइफ बोल रही हूँ। बालू से क्या काम है तुम्हें? जानवर, बुद्धू, बेवकूफ, पागल, रोकर उल्लू के? गुड इवनिंग जहांपना। भाई रुक जाओ। जहांपना अपना नंबर मुझे दिया और फोन अपनी बीबी को देकर मुझे गालियां सुनवाते हो? जब से होश संभाला मैंने इतनी गालियां आज तक कभी नहीं सुनी। जहां पना मुझे बोलने तो मेरा मूड बदलते देर नहीं लगती, किसी भी वक्त में तुम्हारा मर्डर कर दूंगा। जहां पना मेरी बात तो सुनो। जहां पना मत बोलो, मेरा फोन मेरे पास है। जहां पना वैसे उसने क्या कहा? हां हां बेटी श्वेता, मैंने तुम्हारे लिए वीजा के बारे में बात कर ली है। काफी मुश्किल से ऑफिसर को मनाया है मैंने। बड़ा आया वीजा दिलवाने वाला दलाल कहीं का। बस कोई लड़की ने प्यार से दो लफ्ज बोले पिघल गया। ए, कौन हो तुम? श्वेता कहाँ है? हाँ होगी वो कहीं पर, तुझे क्या लेना देना वीजा के ब्रोकर। तूने कभी एम्बेसी के ऑफिस से बाहर जाकर देखा है कितने मेहनती स्टूडेंट्स लाइन में खड़े होकर भूखों पेट घंटों वेट करते हैं? वहाँ पर लड़की के बोलने पर फौरन इंटरेस्ट ले लिया। मुझे तो तेरी नियत पर शक हो रहा है। छी खड़ोस कहीं का। ए, ऐसे क्यों बोलते हो? इज्जत से बात करो। तुझको मैं इज्जत दूं बे? चिंपांजी जुमांजी वीजा दलाल गंदी नाली के कीड़े उल्लू की तुम पागल कुत्ते। मे आई कम इन सर? सर क्या मेरा वीजा रेडी हो गया? आपने फोन क्यों नहीं किया? इस जन्म में ही नहीं बेटी, किसी जन्म में भी तुम अमेरिका में पैर तक नहीं रख सकोगी, मैं देखूंगा। गेट आउट। क्या बेबी मजा आया ना? वीजा कभी नहीं मिलेगा उस खड़ूस ने कहा। हमसे पंगे लेते हो, इतना घमंड है तुझे? मैं कहता हूँ मेरा फोन वापस कर दे, वरना जिंदगी में और बहुत डांट और फटकार खानी पड़ेगी। बालू 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 बालू।
ठीक है, मेरा फोन ला। लेती हूँ। कहाँ है मेरा फोन? कहाँ है? अरे गुड्डे क्या हो, यही तुम्हारा फोन है। मेरा फोन भी इसी तरह बर्बाद कर दिया होगा। कोई बात नहीं, मैं ऐसे 100 फोन खरीद सकती हूँ। एक्सक्यूज मी, जीवन में किसी चीज को खराब करना बहुत आसान है, लेकिन बनाना बहुत मुश्किल है। जिस चीज को आप बना नहीं सकते, उसे खराब करने का आपको हक नहीं। समझ लीजिए, ये आपका सेल फोन। गुड बाय। ओए, क्यों मेरे बारे में सोचते हुए सेलफोन से कंप्यूटर को ऑपरेट कर रही हो? नहीं, तुम्हारे बारे में नहीं सोच रही हूँ। भैया। अरे यहाँ क्यों बैठो? मम्मी शाम से ही मंदिर गई हुई है, अभी तक वापस नहीं आई। मैंने माँ से बाहर जाने के लिए मना किया था, फिर क्यों गई?